हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो इंडिका होती है फ्रेंड, इंडिका में थर्मोस्टेट बल्ब कहाँ लगी हुई है और जो टेम्परेचर सेंसर है वो कहाँ लगी है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरी ये जो इंडिका है फ्रेंड, इसमें ओवर हीटिंग प्रॉब्लम आ रही है और ओवर हीटिंग की क्या कारण है आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। मेरी गाड़ी में कूलेंट भी सही है और रेडिएटर भी सही है फ्रेंड, रेडिएटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मेरी गाड़ी ओवर हीटिंग हो जाती है और मैं आपको बताऊंगा क्यों आती है ये प्रॉब्लम। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं चेक करूंगा फ्रेंड, मेरी ये जो गाड़ी में ओवरहीटिंग प्रॉब्लम आ रही है ये क्यों आ रही है, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। और इंडिका में क्या होता है फ्रेंड, देख सकते हैं यह थर्मोस्टेट बल्ब लगी है ये, और थर्मोस्टेट बल्ब को रिमूव करने के लिए फ्रेंड हमारा ये जो एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर को हटाना होगा गाड़ी से। उसके बाद ही मैं आपको दिखाऊंगा जो टेम्परेचर सेंसर बोलते हैं फ्रेंड, जो हमारा मीटर में रीडिंग दिखाता है सेंसर, वो कहाँ लगी हुई है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसका जो एयर फिल्टर है उसको गाड़ी से हटा देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। यह एक क्लैंप है और यह एक क्लैंप है, देख सकते हैं यह जो बोल्ट है उसको लूज़ कर रहे हैं। तो देख सकते हैं एयर फिल्टर बाहर आ गया है और अभी मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड, जो टेम्परेचर सेंसर है वो कहाँ लगी है। यह देखिए फ्रेंड, यह हमारा हो गया फ्रेंड टेम्परेचर सेंसर, यह देखिए, यह देख सकते हैं। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं फ्रेंड, ये हमारा हो गया टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा फ्रेंड, अगर आपकी गाड़ी में जो टेम्परेचर सेंसर है फ्रेंड वो अगर ख़राब है तो आपकी गाड़ी ओवरहीटिंग नहीं होगी फ्रेंड, फिर भी आपकी जो टेम्परेचर मीटर है वह आपका जो गेज है फ्रेंड, वो गेज या तो फुल दिखाएगी नहीं तो बीच में दिखाएगी आपको, और उसके बाद फ्रेंड आपकी गाड़ी ओवरहीटिंग तो नहीं होगी। अगर ओवरहीटिंग हो रहा है फ्रेंड तो आपकी गाड़ी का जो रेडिएटर फैन है वो ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर रेडिएटर फैन भी नहीं चल रहा है फ्रेंड और आपकी गाड़ी में ओवरहीटिंग भी नहीं हो रहा है लेकिन टेम्परेचर जो मीटर है वह दिखा रहा है मिडिल में या फिर फुल, तो इसका मतलब आपका जो टेम्परेचर स्विच है फ्रेंड वो ख़राब है। ठीक है, और फ्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी गाड़ी में थर्मोस्टेट बल्ब ख़राब है तो आप लोग कैसे चेक करेंगे, उसका मैं आपको दो तरीका बताऊंगा। एक तो आपका ये हो गया पाइप फ्रेंड, रेडिएटर की जो पाइप लाइन है फ्रेंड वो जो इंजन में लगी है, यह देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है फ्रेंड, देख सकते हैं ये वाला जो आप कैप देख रहे हैं इसको लूज़ करना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है फ्रेंड, देख सकते हैं ये वाला जो पाइप है इस पाइप को प्रेस करना है, प्रेस करके आपको देखना है फ्रेंड, अगर यार इसके अंदर से बाहर आ रहा है तो इसका मतलब थर्मोस्टेट बल्ब डायरेक्ट हो गया। ठीक है, तो मैं अभी इसको प्रेस करके आपको दिखाता हूँ, आपको कुछ इस तरह से दबाना है फ्रेंड, फिर आपको देखना है, देख सकते हैं यहाँ से आवाज़ आ रही है। तो देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ से आवाज़ आ रहा है, जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तब यहाँ से आवाज़ आती है जो कूलेंट बॉक्स है वहाँ से। तो इसका मतलब हमारा जो थर्मोस्टेट बल्ब है फ्रेंड वो डायरेक्ट हो गया है। जब हमारा गाड़ी ओवरहीटिंग हो जाती है तो ये थर्मोस्टेट बल्ब भी हमारा गाड़ी का जो इंजन है उसको कूल डाउन करती है, क्योंकि इसमें दो पार्ट होती है फ्रेंड, एक तो होगी आपका ठंडा और दूसरा आपका हो गया गर्म। ठीक है, अगर ये लाइन डायरेक्ट हो गया तो आपकी गाड़ी में जो गर्म और जो ठंडी कूलेंट है फ्रेंड वो दोनों मिक्स हो जाएगी और उसके बाद इसका जो इंजन है वो नॉन स्टॉप ओवरहीटिंग होने लग जाएगी। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आपको चेक करके बताता हूँ इसमें थर्मोस्टेट बल्ब कैसा है इसके अंदर। और फ्रेंड यह आप लोग देख सकते हैं जो रेडिएटर में एक गैप लगी है, देख सकते हैं ये वाला। अगर आप लोग थर्मोस्टेट बल्ब को रिमूव करना चाहते हैं फ्रेंड तो पहले आपको इसका जो कूलेंट है फ्रेंड उसको ड्रेन करना है, उसके बाद ही आप लोग थर्मोस्टेट बल्ब को रिमूव करिए, नहीं तो इसका जो कूलेंट है फ्रेंड वो कूलेंट इसका ये वाला जो पाइप है फ्रेंड इस पाइप से सब कूलेंट बाहर आ जाएगी। तो इससे आपको क्या करना है फ्रेंड, इसका जो कैप है वो वाला कैप आप लोग लूज़ कर दीजिए। जब आप इसकी कैप को रिमूव करेंगे फ्रेंड, इसका जो कैप है उसको अगर आप लोग रिमूव करेंगे, इस कैप को रिमूव करने से पहले आपको ये वाला जो कैप है फ्रेंड इसको रिमूव करना है। ठीक है, इसको रिमूव करके ये वाला जो पाइप है इसको प्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिकली कूलेंट बाहर आ जाएगी। उसके बाद आप लोग कूलेंट को रख दीजिए किसी एक डब्बे में। ठीक है, तो चलिए अभी मैं इसको रिमूव करके आपको दिखाता हूँ।
देख सकते हैं फ्रेंड कूलेंट बाहर आ रहा है। ठीक है तो देख सकते हैं मेरा जो कूलेंट है मैंने सब कूलेंट को बाहर कर दिया रेडिएटर से। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा थर्मोस्टेट बल्ब को रिमूव करके क्या कंडीशन है इसकी। और यह देख सकते हैं फ्रेंड थर्मोस्टेट बल्ब को खोलने के लिए आपको इसमें 3 वोल्ट लगी हुई है थर्मोस्टेट बल्ब में। यह एक फ्रेंड देख सकते हैं और यह पर एक मैंने इसको ऑलरेडी रिमूव कर दिया यह, और इसके अंदर एक होती है नीचे, ठीक है वह देख सकते हैं। तो मैंने 2 वोल्ट रिमूव कर दिया और अभी यह एक है इसको भी मैं रिमूव कर दूँगा। तो तीनों बोल्ट को मैंने रिमूव कर दिया फ्रेंड, अभी बस इसको इस तरह से खींचना है। यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड मेरा उंगली कट गया, देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड इसको अभी निकालते हैं यहाँ से। आपको इस तरह से फ्रेंड पकड़ के इस तरह से खींचना है बाहर, देख सकते हैं ये बाहर आ गया। तो देख सकते हैं फ्रेंड इसमें थर्मोस्टेट बल्ब नहीं है, देख सकते हैं फ्रेंड इसमें थर्मोस्टेट बल्ब नहीं है। तो उसी के कारण फ्रेंड मेरे गाड़ी में ऑपरेटिंग प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि इसमें थर्मोस्टेट बल्ब नहीं है फ्रेंड। अगर आपकी गाड़ी में थर्मोस्टेट बल्ब नहीं है तो मैंने आपको जैसा बताया था अगर आप इसमें ऐसे प्रेस करेंगे तो वहाँ से आवाज़ आना शुरू हो जाएगी यहाँ से, तो इसका मतलब गाड़ी के अंदर थर्मोस्टेट बल्ब नहीं है। तो ऐसा ही आप लोग चेक कर सकते हैं अगर आपकी गाड़ी में थर्मोस्टेट बल्ब नहीं है। तो देख सकते हैं फ्रेंड मेरा उंगली कट गया। तो चलिए फ्रेंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा थर्मोस्टेट बल्ब कैसे इंस्टॉल करते हैं और इसमें जो कूलेंट होती है फ्रेंड वो कूलेंट भी मैं रिफ़िल करूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपको मिलता हूँ फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।